आबकारी नीति को के घोटाले को लेकर के लगातार जो है ईडी और सीबीआई का छापा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि बीते दिनों आबकारी नीति में कई नाम सामने आए और कई की जो है गिरफ्तारियां भी हुई। जी हां, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पर लगातार जो है शिकंजा कसता चला जा रहा है। क्या भाजपा की बात तो हटाइए, अब कांग्रेस भी जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हो गई है। जिस तरीके से बीते दिनों अरविंद केजरीवाल का 2024 को लेकर के जो बयान आया कि हम किसी का विरोध नहीं करते लेकिन चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, उसके बाद कांग्रेस जो है अब खुले जुबान जो है अरविंद केजरीवाल को चुनौती देती नजर आ रही। बता दें कि दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आबकारी नीति में अभी और भी कई नाम सामने आएंगे, ये तो अभी शुरुआत है। यानी जिस तरीके से एक तरफ भाजपा अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, अब ठीक उसी तरीके से जो है कांग्रेस भी जो है यहाँ पर हमलावर हो गई है। बता दें कि तमाम विपक्षियों को एक साथ साधने के काम में जो है नीतीश कुमार लगे हुए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन दोनों जो एक दूसरे के अब खुले दुश्मन हो चुके हैं, इन दोनों को कैसे नीतीश कुमार संभाल दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।